जब से ये दुनिया बनी है तब से धरती पर रहने वाले सभी को ये विश्वास है कि इच्छाधारी नाग कोई भी रूप धारण कर सकता है। जब भगवान कृष्ण ने जमुना में कालिया नाग का वध किया था तभी कालिया नाग ने इंसानी रूप में आकर उनसे माफी मांगी थी। उस युग से लेकर इस युग तक ये दास्तां आज तक चली आ रही है। कोई माने या ना माने लेकिन इतिहास गवाह है। धर्म की आग से चिराग जलते हैं और भटकने वाले इसी रोशनी में जलते हैं। रुको तो मेरी बात तो सुनो। छोड़ो ना। अरे सुनो सायरा
सायरा, मेरी बात सुनो सायरा। कहाँ गई सायरा? सायरा से चीखने की आवाज। सारा, सारा। लगता है इसे किसी सांप ने काटा। क्या हो गया? इसको किसी ऐसे वैसे सांप ने नहीं काटा। तो फिर कौन से सांप ने काटा है? इसे किसी इच्छाधारी नागिन ने काटा है। हम पुलिस वाले हैं, ऐसी वैसी बात नहीं मानते कभी। भटकना नाम है मेरा, भटके हुए को राह दिखाना काम है मेरा। अब ना जाने ये नागिन किसका शिकार करेगी। क्या हुआ जू? क्या हुआ? राहुल साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या हुआ? नहीं राहुल, सांप। ओ अंजू, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं राहुल, मेरी बात का यकीन करो। ओ अंजू प्लीज, समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारा वहम है, समझी? तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है जो तुम कई महीनों से देख रही हो, प्लीज। ओके, समझो, कूल। साहब, साहब, कम इन। वनकम, वनकम। कौन है ये? आइयो, मेरा नाम पन्ने का सपेरा जी। हम बड़े बड़े आड़े तेड़े सांप लोगों को अपने कब्जे में कर लेता हूँ। आइयो, वरंगड़ी वर्मी ने वर्तल ला रणगिड़ी एंद्र कर ला। आइयो, मेरा मतलब है जी, कुत्ता जब सूंघ को बड़े बड़े गुंडे लोगों को, बड़े बड़े चोर लोगों को पकड़ता जी, वैसा हम सूंघ को सांप को पकड़ता जी। आइयो स्वामी जी, आइयो वरंगड़ी वर्तल ला रणगिड़ी एंद्र ला। क्या? मेरा मतलब है, जब हम जंगल में निकलता है, जब हम जंगल में निकलता चलता ना, तो बड़ा बड़ा सांप लोग आप अपने भील में घुसता जी, इतना अपना वट। मैडम कुछ गड़बड़। ए, ढूंढो से, जल्दी ढूंढो। अयो इधर भी नहीं जी। मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊ। मेरे राजा इधर छुपा बैठा। मैडम देखो मेरा कमाल जी, ये बहुत बड़ा खतरनाक सांप, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं जी, मैं अभी इसको लेके जाता हूँ जी, बिना बोले दूसरे के घर में चला जाता। राहुल देखा, देखा राहुल, मैंने कहा था ना यहाँ सांप है। ठीक है अंजलि, देखा तुम्हारा वहम दूर हो गया ना, अब तो बुरे सपने नहीं देखोगे ना तुम। डार्लिंग मैं सपेरे को नीचे तक छोड़ के आता हूँ। हाँ बहुत अच्छे सपेरे हो। थैंक यू साहब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हा? अच्छा जी। जाने से पहले अपना इनाम नहीं लोगे? अरे जरूर साहब, क्यों नहीं।
ये लो पूरे 200 रुपए तुम्हारा इनाम। एक और एक दो? अरे साहब 300 रुपया तो इसका भाड़ा चलता है और 500 रुपया मैं लेता हूँ। अरे भैया अच्छी खासी शूटिंग कर रहा था नागिन फिल्म की, वहाँ से तुमने मेरे को पकड़ के लाया। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, एक्टर हूँ भाई साहब। ठीक है एक्टर मियाँ, एक्टिंग मत करो। ये लो तुम्हारे 1000 रुपए खुश। अरे साहब वापस देने का है, भाड़े का है। क्रेजी मैन। राहुल तो ये सब नाटक था। पति और पत्नी के बीच जो विश्वास की डोर होती है वो तुमने झूठ बोलकर तोड़ दी। ओ जी तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मैंने इस सपेरे को यह इसलिए बुलाया था कि ताकि तुम्हारे दिमाग में जो भूत का वहम है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, समझी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ राहुल? देखो मुझे तुम्हारी ये बेवकूफी भरी बातें नहीं सुननी है। मुझे जल्दी सोना है, सुबह उठकर जल्दी जाना है क्योंकि फैक्ट्री में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, समझी? तुम्हें अपने बिजनेस के अलावा कुछ और आता है क्या? मैं अपनी तकलीफें किससे बताऊं? राहुल तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। बंद करो ये नाटक अंजलि, आई सेड स्टॉप इट। नाटक? नाटक तो तुमने किया है राहुल, झूठे सपेरे को लाकर। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, समझ गए तुम? मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। अंजलि, अंजलि, गेट लॉस्ट, यू गो। क्या समझती हूँ मैं? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मैंने इस सपेरे को यह इसलिए बुलाया था कि ताकि तुम्हारे दिमाग में जो भूत का वहम है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, समझी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ राहुल? देखो मुझे तुम्हारी ये बेवकूफी भरी बातें नहीं सुननी है। मुझे जल्दी सोना है, सुबह उठकर जल्दी जाना है क्योंकि फैक्ट्री में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, समझी? तुम्हें अपने बिजनेस के अलावा कुछ और आता है क्या? मैं अपनी तकलीफें किससे बताऊं? राहुल तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। बंद करो ये नाटक। ड्राइवर गाड़ी रोको। जी सर। बाकी को ले जाओ। ठीक है सर। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। राहुल मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हारे और अंजलि के बीच ऐसी कौन सी बात हुई कि उसे इतनी रात को गाड़ी लेकर निकलना पड़ा। जी वो डैडी एक्चुअली। देखो राहुल मैं जानता हूँ आजकल नई फैक्ट्री के काम में बहुत बिजी हो, लेकिन अपने परिवार को इग्नोर करना सही नहीं है। कामकाज बेटा अपनी जगह होता है, लेकिन तुम्हारी बीवी वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, यू हैव टू लुक आफ्टर हर। मुबारक हो खन्ना साहब, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। अंजलि का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। किसी की दुआ का असर है या ऊपर वाले का चमत्कार है? लगता है अंजलि के सर पर भगवान का हाथ है, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ। राहुल यू आर वेरी लकी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी वेरी मच। आइए चलो बेटा। ओह माय अंजलि। बहू भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। मैंने तुम्हें कितना समझाया बहू कि इतनी रात को गाड़ी लेके अकेले नहीं निकलते, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते बहू? सॉरी डैडी। बेटे मेरी राय में तुम बहू को लेके कहीं घूमने निकल जाओ, वो जो मैंने तुम्हें बताया था उसका ध्यान रखना, ठीक है? हाँ डैडी। ओके बेटा ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैडी। सी यू। ओह माय लव अंजलि, तुम शायद नहीं जानती मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं जितना शादी के पहले करता था। बिजनेस मेरे लिए उतना जरूरी नहीं है जितना तुम जरूरी हो, समझी? ओ अंजलि सुनो, हम लोग यहां से बहुत दूर जाएंगे, बहुत दूर, कहीं बहुत दूर, लंदन, पेरिस, अमेरिका, रोम, व्हेरेवर यू से। नहीं मैं वहां जाना चाहती हूं जहां पहली बार मिले थे।
Why not? हम वही चलेंगे। जरा ही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। टा 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 टिर टिर। ए अंजलि, बोल क्यों नहीं रही तुम कुछ? अंजलि दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। अंजू कुछ बोलो ना यार, सारे रास्ते पका दिए तुमने, कुछ बोल नहीं रही हो। अरे ये लो, बंगला भी आ गया। चलो उतरो उतरो। हाँ देख के जरा। कितना अच्छा क्लाइमेट है ना। आ जाओ आ जाओ। क्या बात है, ये साला शेर सिंह नजर नहीं आ रहा। मैंने उसको कहा था आने के लिए। उल्लू का पट्टा। होम स्वीट होम। बहुत थक गया यार। डार्लिंग तुम एक काम करो, वेट करो, मैं शावर लेके आता हूं, उसके बाद हम दोनों चलेंगे फर्स्ट क्लास डिनर खाने के लिए। ओके ओके। अंजलि अंजलि टॉवल लाओ। लाए बाबा। अंजलि लो राहुल। क्या कर रहे हो राहुल? रेडी चले। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन अंजलि इसे क्या हुआ? क्या है मेम साहब? क्या बात है चमेली? चंचल चमेली आज खामोश क्यों है? और वो तेरा शेर सिंह का क्या हाल है? तेरे साथ आया है या नहीं आया? नहीं मेम साहब, वो नहीं आएगा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आज से 9 महीना पहले जब साहब अकेले आए थे उनके जाने के बाद। अरे चमेली मैं इधर नहीं रहूंगा, पता नहीं ये बंगले में कैसा कैसा आवाज आता है, मैं तो पागल हो गया है। तेरे को सुनाई नहीं देता है क्या? अरे मुझे तो नहीं सुनाई देता। अरे बाबा मेरे को बहुत कैसा कैसा आवाज आता है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इधर रहूंगा तो पागल हो जाएगा, मैं नहीं रहूंगा इधर। बाबा मैं तो जाता है, मैं चला जाएगा यार, नहीं रहूंगा इधर। बंगले में से अजीब सी आवाज आती थी मगर मुझे नहीं सुनाई देती थी। जब से गया सो गया अब तक नहीं आया। ठीक है तुम जाओ अंदर काम करो। ठीक है मेम साहब। यह अजीब बात है, आवाजें तो मुझे भी सुनाई देती है। अंजलि अंजलि आओ मेरे पास आओ। अंजलि इधर आ, इधर आ। अंजलि आ मेरे पास आओ, चले आओ। Ha ha ha!
जाओ अंजलि, क्या हुआ अंजलि? ठीक क्यों रही हो तुम? क्या हुआ अंजलि? तुम इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? राहुल, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे कोई बुला रहा है। मैं तुम्हें उठाना चाह रही थी, मगर तुम तो मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। राहुल, यहाँ कोई है? राहुल, ओ अंजलि, यहाँ कुछ भी नहीं है। देखो, कुछ भी नहीं है चारों तरफ, ये तुम्हारा वहम है। नहीं राहुल, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ कुछ तो जरूर है। ओफ, देखो सुनो मेरी बात, तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, समझी? और हम यहाँ खुशियां मनाने आए, आवाजों के पीछे दौड़ने नहीं, समझी? चलो 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 आओ। अंजलि दरवाजा खोलो, अंजलि, अंजलि, राहुल, राहुल, वहां अंदर कोई है? राहुल, अंजलि क्या हुआ, ठीक क्यों रही हो तुम? राहुल, मुझे कोई मानना चाहता था। राहुल, ओ अंजलि, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। नहीं राहुल, ये मेरा वहम नहीं है, वहाँ कोई था। राहुल, मेरी बात का यकीन करो। राहुल, देखो अंजलि, इस तरह अगर तुम ज्यादा सोचोगी तो तुम एक दिन पागल हो जाओगी, समझी? शेर सिंह भी पागल हो गया था, उसे भी ऐसी आवाजें आती थी। राहुल, ये शेर सिंह तुम्हें कब मिला? चमेली आई थी, उसने बताया जब तुम पहली बार यहाँ से वापस गए थे, तभी तब से वो गायब है। राहुल, देखो तुम्हें चमेली की बात पर यकीन है, लेकिन अपने इस पति की बात पर यकीन नहीं है। हा? नहीं राहुल, मुझे तुम्हारा यकीन है। राहुल, हेलो। हाँ हेलो, मैं आर के खन्ना बोल रहा हूँ। अंकल, मैं राजेश आज बोल रहा हूँ। राज, जरा राहुल को फोन देना बेटा। देता हूँ अंकल, राहुल डैडी का फोन। डैडी, हेलो डैडी। हाँ राहुल, कैसे हो बेटा? हाँ डैडी, सब ठीक है। अच्छा देखो राहुल, अपने अमेरिका से जो इंजीनियर आने वाले थे ना, आ चुके हैं, तुम्हारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। क्या मुझे मुंबई आना होगा? ठीक है डैडी, व्हाटएवर यू से। फौरन चले आओ बेटा, ओके बाय। राहुल, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक तो है, लेकिन डैडी मुझे मुंबई बुला रहे हैं। किस लिए? वो अमेरिका से कुछ डेलीगेट्स आए, उनके साथ मीटिंग है, मुझे जाना होगा। अच्छा ये बताओ, ये मुंबई के लिए कितने बजे की फ्लाइट है? 4 बजे की फ्लाइट है। 4 बजे की फ्लाइट है और अभी 10 बजे, माय गॉड, इतनी देर में क्या करूंगा? राहुल, मैं और किरण शॉपिंग के लिए जाते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम दोनों शॉपिंग के लिए जाओ, चलो तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। राहुल ऐसा करते हैं, तब तक तुम्हारा वो फैक्ट्री वाला काम कर लेते हैं। हाँ राज, आओ, अब फ्लाइट के टिकट भी करा लेते हैं। ओके मेरी बात का यकीन करो किरण, मुझे अजीब सी आवाजें आई थी, जैसे मुझे कोई बुला रहा हो, लेकिन राहुल यकीन ही नहीं करता। मगर ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है किरण, ऐसा ही हुआ है। आवाजें मुझे भी सुनाई दी, और चमेली ने मुझे बताया था कि शेर सिंह को भी ऐसी ही आवाजें आती थी। यहाँ कुछ तो जरूर है जिसका वास्ता मुझसे या राहुल से है। अगर ये बात है तो आओ मेरे साथ। कहाँ? मेरे साथ आओ तो सही। किरण, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? वो जगह है जहाँ पे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस यहीं रुको। किरण, तुम ये कहाँ ले आई मुझे? अरे तुम आओ तो सही मेरे साथ। बाबा भटकनाथ नाम है मेरा, भटके हुए को राह दिखाना काम है मेरा। तो तुम यहाँ पर ये कहने आई हो कि इसे रात को आवाजें सुनाई देती हैं, यही कहना चाहती थी तुम? हाँ बाबा, अंजलि के घर में हर वक्त आत्मा की आवाज आती रहती है। ये आत्मा का नहीं, किसी इच्छाधारी नागिन की आवाज है। नागिन की? हाँ। मगर वो कैसे बाबा? इसकी सूरत को देखकर ऐसा लगता है
इसकी जिंदगी के साथ उस इच्छाधारी नागिन का जरूर कोई वास्ता है, लेकिन जब तक मैं इसके घर को देख नहीं लेता तब तक मैं यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन ये तो आज मुंबई जा रही है। ये कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो नागिन इसे कहीं नहीं जाने देगी। कोई उपाय है बाबा? उपाय है, कल तुम इसे लेकर मेरे पास आना, मैं उपाय जरूर बताऊंगा। बाबा भटकनाथ नाम है मेरा, भटके हुए को राह दिखाना काम है मेरा। अब तुम लोग जाओ। अच्छा ठीक है बाबा, प्रणाम। 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 जाओ। हाँ ठीक है, हो जाएगा। राहुल वो आ गई। क्या यार इतनी देर कर दी, इतनी देर से वेट कर रहे हैं। छूट जाएगी, छूट जाएगी। चलो आओ, सामान रख दिया ऑलरेडी। बाय। चलो जल्दी चलो। कम कम। बाय बाय बाय। ओके। ओके राज। बाय। ये जाम क्यों लगा हुआ है सर? आगे एक गाड़ी पलट गई है, रास्ता बंद है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। लेकिन मुझे फ्लाइट पकड़नी है इंस्पेक्टर। हम कुछ नहीं कर सकते सर। ये कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो नागिन इसे कहीं नहीं जाने देगी। प्लीज कुछ करिए। मैंने कहा ना, हम कुछ नहीं कर सकते। ओह शिट, ओह गॉड डार्लिंग, देयर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। सामने कोई गाड़ी उल्टी हो गई और सारा जाम लगा हुआ है। अब हम कैसे जाएंगे मुंबई? लगता है मैं वापस जाना होगा। शिट शिट। क्या बात है राहुल, तुम वापस आ गए? यार 4 बजे की फ्लाइट मिस हो गई, अब मुझे सुबह की फ्लाइट पकड़नी होगी। और सुबह होने से पहले मुझे एक घना जंगल क्रॉस करना होगा। सुनो राज, मैं अंजलि को अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसीलिए अंजलि को मैं तुम्हारे पास छोड़ जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। ओके ठीक है यार। डार्लिंग तुम अपना ख्याल रखना, जैसे मेरा काम खत्म होगा मैं वापस लौट आऊंगा। ओके ओके राहुल। आओ अंजलि। बाय बाय राज। बाय। आओ अंजलि। अंजलि क्या सोच रही हो तुम? किरण सचमुच भट्टुकनाथ बाबा की बात सही निकली, उस नागिन ने मुझे जाने से रोक दिया। अंजलि घबरा मत, कल सुबह हम बाबा के यहाँ जाएंगे, ठीक है? मैं भी यही सोच रही थी। किरण बाबा उपाय तो बताएंगे ना? अंजलि बाबा पर मुझे पूरा भरोसा है, वो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे, तू घबरा मत। अच्छा हुआ तुम लोग आ गई, आज अमावस की रात है और हम उसी जगह पर जाएंगे जहां से इसे आवाजें सुनाई देती हैं। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? और हम दूर खड़े रहेंगे, ये वहां पे अकेली जाएगी। नहीं बाबा, अंजलि को कुछ हो गया तो हम भी साथ चलेंगे। इसे कुछ नहीं होगा, ये लो मेरी सिद्ध की हुई तावीज, पहन लो इसे। इससे क्या होगा? इससे नागिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और अंजलि के साथ नागिन का क्या रिश्ता है उस राज का भी पता चल जाएगा। अब तुम लोग जाओ। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। बाबा भटकनाथ नाम है मेरा, भटके हुए को राह दिखाना काम है मेरा।
बेटी तुम जाओ, हम यहीं रुकते हैं। जाओ बेटी। ठीक है बाबा। कैसे आई? और मुझे नहीं मालूम। बेटी बेटी ये तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर कैसे? किसकी है रिवॉल्वर? मैं जानती हूँ ये रिवॉल्वर किसकी है। अंजलि, अंजलि, ये तुम गन के साथ क्या कर रही हो? इसे दे दो, इसे मत खेलो, ये बहुत खतरनाक चीज है। उफ, तौबा, क्या बात है, आज तो तुम्हारे चेहरे से कितना नूर छलक रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। सच? मुझ नहीं हो सकती, तुम तो मर चुकी हो। मनीषा, मनीषा, मनीषा,
मनीषा? कौन है मनीषा राहुल? और इसे क्या वास्ता है तुम्हारा? राहुल मुझे बताओ, वरना मैं अपने आप को गोली मार लूं। नहीं, नहीं, मैं अपने आप को गोली मार लूं। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। आज से 8-10 महीने पहले जब मैं बिजनेस के किसी काम से यहाँ पर आया, पागल है क्या, मर रहा है क्या, बीच सड़क पे खड़ी है? मरना चाहती हो क्या, बीच सड़क पे खड़ी थी? मरना नहीं, तुम्हें मारना चाहती हूँ। क्या मतलब? लिफ्ट मिलेगी? आइए आइए। अरे इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। कहाँ जाना है आपको? जहाँ भी तुम ले चलो। क्या मतलब? मेरा मतलब मेरी मंजिल पास में ही है। आप इस वीरान जंगल में क्या कर रही थी? किसी का इंतजार। इंतजार? हाँ इंतजार। वो मिला आपको? हाँ बहुत लंबे अरसे के बाद आज मिला तो है। इसे तो कुछ भी याद नहीं, यही तो मेरा पिछले जन्म का नाग है। हेलो, आप क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मुझे लगा आप कुछ सोच रही हैं। लड़की मुझे मिल जाएगा। कुछ कहा आपने? हाँ नहीं तो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम मेरे पिछले जन्म का प्यार हो, तुम मेरे नाग हो। Hey, I don't believe this. Let's have fun. Come on. तुम तो यहाँ बैठी थी, वहाँ कैसे पहुँच गई? आप सपनों में खो गए थे तो मैंने सोचा मेरी मंजिल तो आ गई है, इसलिए मैं उतर गई। शुक्रिया। शुक्रिया वुक्रिया तो ठीक है, ये बताओ कि तुम मुझसे फिर कब मिलोगी? जब भी याद करोगी हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन सपनों में नहीं, हकीकत में बाबा। ओके मिलते हैं। चंबेली, अरे ओ चंबेली, अरे जल्दी आ, किधर गई? जल्दी आ। ये लो डब्बा, जाओ हवेली में साहब आए होंगे, जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो, इसे यहीं रखो। अरे ये मेरे बाप दादा की निशानी है, मेरा दादा चीता मारता था और मेरा बाप कोई ऐसा वैसा नहीं, बब्बर शेर मारता था, बब्बर शेर। तुमने क्या मारा? एक मच्छर नहीं मारा, जाओ जल्दी बाजार से आते। पान पलंग तोड़ वाला खुली जाए समझ जाए। अच्छा चंबेली, मैं सांप के बंगले में जाता है, जरा ख्याल रखना। और सुन, इधर चोर उचक्के बहुत घूमते रहते हैं, तू ये दरवाजा ठीक से बंद कर देना। अरे तुम जाओ तो सही। अरे मैं जो बोलता हूँ वो करना, चल मैं जाता हूँ। अच्छा। चल बाय बाय बाय। मेरी जान चमेली, जो मैं तुमसे बात नहीं करती। नाराज मत हो चमिया, मैं तो ये फ्रूट लेने गया था तेरे लिए। अंदर आओ ना, बताता हूँ। <आ, आ, आ, laughs>
नाराज क्यों होती हो? मैं तो तेरे लिए फ्रूट लेने गया था। देख केले कितने अच्छे है ना। अच्छा feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. Meli, meri janu. Kaun hai? Darwaza khol. Kaun aa gaya? Janu. Darwaza khol. Tera sheru lalwani aa gaya hai. आ गया, रंग में भंग डालने। जल्दी खोल। वही बिना बर्फ की गोली, मैं देख के आती हूँ। अरे जल्दी आ। अरे चली खोल। अरे तुम वापस आ गए? अरे क्या करेगा, अपना साहब है ना, मेम साहब के साथ बिजी में था, इसीलिए वापस आ गया। बड़ी तेरा क्यों पसीना छूट रहा है इतना? और अंदर आवाज कैसी कैसी आ रही है, जरा देखूं तो। चल अंदर। बड़ी ऐसा खोलने में इतना टाइम लगता है तेरे को? अरे ये कौन है? शेरू, ये प्यारे है, हमारे गाँव वाला है। माँ ने कुछ फल भेजे थे, वो लेके आया है। अच्छा अच्छा, गांव से है? हाँ, दूध आया, थका है। थक गया? चाय पानी पूछा नहीं पूछा? घर में दूध है ही नहीं, जाओ नथु दूध वाले से दूध लेके आओ। अभी लाता है, तुम आराम करो, मैं ताजी भैंस का ताजा दूध लाता है। ये हुई ना बात? आओ। अभी तक आया नहीं बोलो। यार सपेरा, तुम बार बार मेरे घर के तरफ क्या देखता है यार? अरे वो क्या है, वो बाबू जी से बारा ना लेने ना, उनका रास्ता दिखाओ बाबू जी। बारा ना? किस बात का बारा ना? वो है ना, बताता इधर आइए। अच्छा अच्छा अच्छा
अरे यार ऐसा बात है तो फिर मेरे को भी कटवाओ ना यार। तो कटाओ क्या? हाँ? उस समय मजबूत है। हाँ? लेकिन 5 रुपए देने पड़ेंगे। 5 रुपए क्यों? वो तो देने पड़ेगा, बोलो मंजूर है तो कटवाओ। अच्छा ऐसा बात है? हाँ? तो कटवाओ। 5 रुपया देगा, पहले कटवाओ तो सही। ये लो लो लो। अब मैं चंबेली को देखूंगा। ओ बाबूजी, 8 रुपए तो दो मेरे। अरे चल पहला ताकत का पूरा इस्तेमाल तो करने दे, पूरा ताकत का तेरे पर अजमाएगा क्या? चल चंबेली। अरे बाबूजी हो। अरे चंबेली इधर आ गया। आती हो? अरे जल्दी, जब भी आता है गलत वक्त पे आता है, कुछ करना आता है, कुछ करने खजाना मिल गया हो। अरे जल्दी बोल। आती हूँ। मुंह सत्यानाश कर दिया। आ रही हूँ। उफो। दूध लाए? अरे दूध को मार गोली। आज मैं तेरे को खुशखबरी सुनाता अबे अच्छा, आज मेरे में बहुत ताकत आ गई है, आज तेरे को बताएंगा तेल और तेल की दाढ़ क्या होती है। अरे मुस्तंडे जा मेरे लिए चाय बना के ला। दूध नहीं है? दूध नहीं है तो काली बना के ला। मैं भी आती हूँ। तू किधर चली? आज तेरे को ये शेरू खिलाएंगा प्यार का पेरू। अरे चंबेली अब तो खुश है ना? शेरू जी, शेरू जी आपकी चाय। शेरू को काली चाय पिला दो और शरीफ उसको घर में घुसा दो। निकलो यहाँ से। चमेली मेरी बात, तुम्हारे यहाँ आए तो चमेली मेरी बात सुनो। जाओ मेरे शेरू। अरे 5 रुपया 12 आना दे दे रे भैया। ना 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 ना। अरे अरे आ गया। अरे 5 रुपया 12 आना साहब, बैठो साहब बैठो साहब। आपको दिया 12 आना और आपके मूछ वाले साहब का हुआ 5 रुपया, दोनों मिला के हुआ 5 रुपया 12 आना, दे दो ना साहब। ये मूछ वाला कौन है? अरे मूछ वाला भैया साहब, जिधर आप रहते हो ना उधर ही वो भी रहता है, उधर ही गया साहब। ये 5 रुपया किस चीज का? 5 रुपया? अरे मैंने उसको स्ट्रांग सांप से कटवाया था, वो भी मजबूत सांप से, आपको भी कटवाना है क्या? हाँ, तो फिर 5 रुपया दो ना साहब। सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? तो फिर 10 रुपए 12 आना हो जाएगा। हाँ, दूंगा ना दूंगा। सांप कहाँ है? सांप कहाँ है ना इसमें सांप? इसमें? हाँ मेरी बात सुनो। हाँ इधर सुनो। हाँ दूंगा, 10 रुपए दूंगा ना। हाँ ठीक है। अब 5 रुपया 10 रुपया 5 रुपया 12 ना, अब तो हमारा हो जाएगा माल। अरे आपको बर्बाद कर गए हैं भगवान। अंदर कैसे आई? तुमने याद किया, मैं चली आई। हेलो। अच्छा मेहता बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर मेहता बोलिए। कल की मीटिंग पक्की है? हाँ डोंट वरी, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। हाँ जी ओके, सी यू अदर, बाय। ओह गॉड। अरे ये तुम्हें कहाँ से मिली? ड्रॉअर में पड़ी थी। ड्रॉअर में पड़ी थी? वैसे ये क्या है? ये गन है, अगर गलती से तुमने अपनी उंगली से ये घोड़ा दबा दिया ना तो सामने वाले की छुट्टी हो जाएगी, समझी? अरे शेर सिंह जी, तुम तो कल आने वाले थे मेरे साथ, आज कैसे आए? मैं तो कल भी आया था सरकार, लेकिन आप मैम साहब के साथ बिजी में थे। वो हाँ ठीक है ठीक है, मेरे लिए कोई हुक्म सरकार? हाँ कल सुबह 10 बजे आ जाना। ओके पहुंच जाऊंगा सरकार। अब जाओ जाओ जाओ, और हाँ जाते जाते लाइट बंद कर देना। अरे चंबेली क्या कर रही है? चलो ना। नहीं अभी दिन है। चलो ना। अरे बोला ना दिन में नहीं। चलो ना। ठीक है तू तैयारी कर, मैं अभी आता है, तू तैयारी कर।
चमेली। अरे प्यारे, अच्छा हो गया तुम आ गए, मुझे माफ कर दो ना। अब माफ कर दो ना। चमेली, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे बेटा चल यार, क्या बात है, क्यों रोता है यार? ओ, क्या बात करो बाबूजी, अबे पूछो मत, बहुत बुरा हाल है। अरे मालूम है, तुम उसके लिए रो रहे हैं ना, मैंने तुम्हारा 5 रुपया नहीं दिया, उस दिन का भी 5 रुपया और आज का भी 5 रुपया, तेरे को पूरा 10 रुपया देगा। कटवाना यार, कटवा यार, जल्दी कटवा। अरे बाबूजी, साफ रहे तब तो कटवाऊ, चुरा। अच्छा, इसका मतलब है तेरा सांप वही हरामी चोरी करके गया, मैं अभी उसको देखता है, तू इधर ही बैठ। अरे चंबेली, मैं हूँ शेरू लालवानी, दरवाजा खोल। आगे क्या न तो हलवाई से दूध लेके आओ। दूध लेके आऊँ? मैं क्या यही काम करता रहेगा क्या, घड़ी घड़ी दूध लेने जाएगा? चढ़ी किधर की? दूध लेने जा। अच्छा, तभी मेरे को बोलती है दूध लेने जा, इसका मतलब अंदर कोई है। अगर उसका सांप चोरी नहीं होता तो मैं अंदर होता और ये हरामी बाहर होता। क्या करूं, कुछ ना कुछ। मेरे को लगता है कहीं ये अंदर वाला तो नहीं सांप को चोरी किया हो। अभी मैं इसको देखता हूँ, आज ये मेरे हाथ से बचेगा नहीं। अभी मैं उसको देखता हूँ, आज उसको उसकी नानी याद दिलाता हूँ। ठहरो, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। न अपनी खबर है ना दिल की खबर है, मुझ पे हुआ ये असर है। हाँ मेहता साहब, हाँ हाँ बस निकल रहा हूँ। ओके ओके, चलिए ओके, पहुँच के फोन करता हूँ, बाय।
राहुल मेरा प्यार है, कई जन्मों के बाद मिला मगर मुझे पहचान नहीं रहा। उसे दिखा दूंगी मेरा प्यार सच्चा है। मनीषा ये क्या कर रही हो तुम? स्टूपिड, ये क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई क्या? राहुल क्या कर रही थी तुम ये, और क्यों कर रही थी? तुम मेरे हो राहुल, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हेलो। हाय राहुल, तुम तो मुझे भूल ही गए। अंजलि, मैं बस तुम्हें फोन करने ही वाला था। वहाँ तुम अकेले हो या कोई और तुम्हारे साथ है? हाँ मेरे साथ कोई है। कौन? ओ अंजलि, तुम्हारा प्यार, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार। I love you very much। हेलो। हाँ मेरा मोबाइल बज रहा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, ठीक है? ओके, लेकिन जरूर करना। हाँ बाय। बाय। ओह गॉड। राहुल तुमने मुझे बताया नहीं तुम शादीशुदा हो, सब कुछ करने के बाद तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी बीवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर दूंगी। बकवास मत करो, मेरी बीवी हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगी, समझी? पागल हो गई हो तुम? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं होते। नहीं। मैं तुम्हारी बीवी की जान ले लूंगी। अरे? मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर दूंगी। मेरी बीवी मेरी जिंदगी से बाहर नहीं जाएगी, अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो तू जाएगी। चल चल निकल भाया। राहुल मुझे दूर मत करो राहुल। क्या बात है? मुझे माफ कर दो राहुल। देखो मनीषा मेरी बात समझो। कुछ मत कहो राहुल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं एक बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मनीषा मेरी बात समझो, मैं सिर्फ और सिर्फ अंजलि से प्यार करता हूँ, समझ रही हो ना तुम? क्यों? वो मेरी बीवी है इसलिए। राहुल तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते, मैं उसे जान से मार डालूंगी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। तू क्या उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, उससे पहले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? तू मेरी अंजलि को मेरी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। नहीं राहुल प्लीज मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ मेरे हो। शट अप। नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ राहुल, राहुल तुम और किसी के नहीं हो सकते। राहुल राहुल मेरी बात सुनो। शेर सिंह, शेर सिंह, शेर सिंह, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? मनीषा, मन, ये क्या किया तुमने? तुमने शेर सिंह को क्या मारा? जो भी हमारे बीच उसका यही अंजाम होगा। ए, तुम पागल हो चुकी हो, पागल हो चुकी हो तुम? हाँ हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ। तुम मेरे नहीं हुए राहुल, तो किसी का नहीं होने दूंगी। देखो मनीषा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम चाहती क्या हो। मैं चाहती हूँ उस कुतिया को मैं जान से मार डालना चाहती हूँ, अगर तुम मेरे नहीं हुए राहुल तो और किसी का होने नहीं दूंगी मैं। देखो मनीषा, देखो देखो मेरी बात समझो, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नहीं, वो मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है राहुल, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पाना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं सकती। पर मर तो सकती हूँ, मैं खुद को गोली मार लूंगी राहुल। नहीं हाँ नहीं हाँ राहुल हाँ। मनीषा ये तुमने क्या किया? मनीषा मनीषा साहब जी,
ये क्या किया? इसने इसने अपने आप गोली मारी है। मैंने कुछ नहीं किया। शेर सिंह देखो, अभी तुम मेरी मदद करो इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। तुम मेरे वफादार नौकर हो शेर सिंह, मैं फंस जाऊंगा। शेर सिंह मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो शेर सिंह। करो। हाँ करता है साहब जी। जल्दी 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 करता है साहब जी। जल्दी जल्दी करता है साहब जी। जल्दी जल्दी गैस डालो, जल्दी जल्दी डालो, जल्दी गैस हो गया साहब जी। चलो उठाओ इसे, आ जाओ। अंजलि, ये सच है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वाह राहुल वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। मेरे ही बिस्तर पर मेरे ही प्यार को बेरहमी से कुचलकर अब तुम मुझसे प्यार की उम्मीद रखते हो? मैं यहाँ नहीं रहूंगी राहुल, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं। अंजलि अंजलि, ओ अंजलि, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं? मेरी बिस्तर पर मेरे प्यार को बेरहमी से कुचल कर आप तुम मुझसे प्यार की उम्मीद रखते हो? मैं यहां नहीं रहूंगी राहुल, मैं जा रही हूं, जा रही हूं मैं। पापा बाबा भटकनाथ नाम है मेरा, भटके हुए को राह दिखाना काम है मेरा। क्या हुआ बेटी, ये तुम इतनी रात को गाड़ी लेकर कहां जा रही हो? बोलो बेटी क्या हुआ? हाँ बेटी क्या हुआ? बाबा, जिस आत्मा की मुझे आवाजें आती थी वो मनीषा की आत्मा की आवाजें थी। मेरे पति ने उसे प्यार किया और उसका कत्ल कर दिया। मैं अपने पति को छोड़कर आई हूँ बाबा। ये तुमने क्या किया बेटी? यही तो बना के चाहती थी कि तुम उसकी दुनिया से अलग हो जाओ और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। ये क्या कह रहे हो आप बाबा? बेटी हमें जल्दी से वहां पहुंचना होगा, राहुल की जान खतरे में है, जल्दी चलाओ गाड़ी, और तेज गाड़ी बेटी, और तेज। राहुल। हाँ अंजलि। हाँ राहुल, तुम्हारी अंजलि। मैंने आज ही महसूस किया कि तुमसे दूर रह के ये अंजलि कुछ भी नहीं है राहुल। ओ अंजलि। राहुल मुझे माफ कर दो राहुल। हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया अंजलि। और हाँ, हम आज ही मुंबई जाएंगे। हाँ अंजलि, हम आज ही बॉम्बे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ, कम कम। अरे मैडम इतनी जल्दी वापस आ गए? साहब कहाँ है? मैम साहब अभी अभी तो गए आपके साथ। क्या? हाँ अभी तो ले गई आप। देखा बेटी, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। न जाने वो ना कि राहुल को कहाँ लेकर गई होगी। चलो मेरे साथ। अब क्या होगा बाबा? कुछ नहीं होगा। मेरे राहुल को कुछ होगा तो नहीं? चिंता मत करो बेटी। बाबा ये सब क्या? मैं हूँ ना, जल्दी चलो जल्दी।
अंजलि, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने पापा का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूं। अंजलि, तुम शायद नहीं जानती कि तुम्हारी खामोशी मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है। कुछ बोलो अंजलि, कुछ बोलो। अंजलि तुम बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी खामोशी मुझे तोड़ रही है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। कहाँ है मेरा राहुल? अंजलि, राहुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, तुम भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पे? मेरा राहुल ठीक तो है ना? हाँ अंजलि। बाबा, आपने तो कहा था आपके हो तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर ये जिंदगी और मौत के बीच मेरा राहुल क्यों? बेटी इधर आओ। समझी? ठीक है बाबा, मैं अपने राहुल के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो हम उसी जगह पे चलते हैं जहाँ राहुल ने नागिन को दफनाया था, है? ताकि उसका अंतिम संस्कार हम तुरंत कर दें। हाँ। और हमारा राहुल नागिन के चंगुल से छूट जाए। हाँ। इसके अलावा बेटी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है बाबा, आप ठीक कह रहे हो। अंजलि तुम जाओ, मैं यही रुकता हूँ। किरण तुम अंजलि के साथ जाओ, अंजलि का ख्याल रखना। ठीक है। ओके बाबा, आप लोग जाइए, मैं यहाँ हूँ ना। तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं अपना त्रिशूल लेकर आता हूँ। बाबा। बेटे तुम, लेकिन मैंने तुमको वहाँ जाने के लिए कहा था। बाबा मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों, ये क्या कह रही हो तुम? बाबा वो नागिन बहुत ही शक्तिशाली है और मुझे नहीं लगता हम उसे मार पाएंगे। क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं? क्या तुम राहुल को बचाना नहीं चाहती? आखिर ऐसी कौन सी बात है बेटी जिसने तुम्हारे इरादों को दावा डोल कर दिया? नहीं बाबा नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बेटी ये मेरी सिद्ध की माला है, जब तक ये माला तेरे गले में रहेगी वो नागिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लो बेटी पहन लो इसे। हा? लो पहन लो इसे। कौन है तू? मैं हूँ इच्छाधारी नागिन और राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। पति है मगर वो मेरा प्यार है, मैं उसे पाकर रहूंगी, मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुझे, मेरी शक्ति रोकेगी तुझे। शायद तुम्हें नागिन की ताकत का अंदाजा नहीं है। और तुझे भटकनाथ की ताकत का अंदाजा नहीं है। देखना चाहती है? देख। ओ! ओ! तेरी मौत तुझे बुला रही है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं। जाओ बेटी, जाओ बेटी।
ये बता तेरी कहानी क्या है। बाबा मैं हार मान गई, बाबा मैं हार मान गई। अंजलि का पति मेरे पिछले जन्म का इच्छाधारी नाग था बाबा। एक दिन अमावस्या की रात हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, मगर मनी की खातिर किसी लुटेरे ने आकर मेरे नाग का कत्ल कर दिया बाबा। जब वो मुझे मिला तो वो अंजलि का पति हो चुका था, मगर बाबा मैं अंजलि के प्यार के आगे अपने प्यार की हार मान गई बाबा, हार मान गई। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ। बाबा मेरा राहुल। कुछ नहीं होगा तेरे राहुल को बेटी, कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ,
चलो। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी कोशिशें कामयाब रही। हाँ। ये सब चमत्कार है या दुआओं का असर है? सही कह रहे हैं आप। अंकल अंजलि। बहू तुम धन्य हो बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बच गया। तुमने साबित कर दिया बहू दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बचा है। जाओ बहू, वो जाओ। तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ बेटी। आ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। अंजू, अंजू मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे मेरी अंजू वापस मिल गई। मुझे माफ कर दो मुझे। हाँ राहुल।